हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ तिनपति गोल्ड। तिनपति गोल्ड में आपको बैंक अकाउंट ऐड से लेकर आपको विड्रॉल से लेकर इंस्टेंट विड्रॉल कैसे करते हो और लास्ट एंड तक आपको क्रैश गेम खेलकर और कार रिवॉल्यूशन खेलकर गेम खेलकर ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और लास्ट एंड तक आपको इंस्टेंट विड्रॉल करके दिखाऊँगा और विनिंग भी करके दिखाऊँगा आपको क्रैश में और कार रिवॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं हूं टेक्निकल विद, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए, मैंने क्रैश पे क्लिक कर लिया। क्रैश पे क्लिक करने के बाद आपको कैश आउट कर लेना है। मिनिमम 50 रुपीज़ वाला एंट्री रहेगा तो मैंने 50 रुपीज़ लगा दिया है। 50 रुपीज़ लगा देने के बाद मैं कैश आउट कर लेता हूँ तो मेरे पास मैं विनिंग हो चुका हूँ 35 रुपीज़। डायरेक्टली आपको एक क्लिक करते थ्रू आपको विनिंग कर लेना है और डायरेक्टली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, जितना ऊपर आपका एरोप्लेन निकल जाएगा उतना आपका फायदा भी होगा और डायरेक्टली आपको कैश आउट भी कर लेना है। तो ये देख लीजिए, उसके ऊपर 4.11 तक गया था और मैं डायरेक्टली 200 रुपीज़ विनिंग भी कर सकता था उसमें डायरेक्टली लास्ट इंटक जाता है। तो फिर से क्रैश पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मैं 100 रुपीज़ अभी लगा देता हूँ। 100 रुपीज़ मैंने लगा दिया। 100 रुपीज़ लगा देने के बाद डायरेक्टली क्रैश जितना ऊपर जाएगा उतना आपका फायदा होगा और लास्ट एंड तक आप कैश आउट भी निकाल सकते हो उसमें। तो ये देख लीजिए, आपको कैश आउट पे ऑप्शन दिख रहा है तो उसमें कैश आउट पे डायरेक्टली आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली मेरे पास 53 का डायरेक्टली प्रॉफिट हो गया है। तो ऊपर जा ही रहा है 2.47 तक अटक गए। तो ये देख लीजिए, 2.47 तक निकल गए वो डायरेक्टली क्रैश हो गए। क्रैश होने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, क्रैश होंगे आपका लॉस भी जाएगा और डायरेक्टली आपको फर्स्ट टाइम के निकाल लेना है। तो ये देख लीजिए, ऐसे आपको कुछ करना नहीं। 50 रुपीज़ फिर से एक बार मैं लगा देता हूँ। 50 रुपीज़ मैंने लगा दिया है। 50 रुपीज़ पे आपको कैश कितनी बार तो अभी क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद डायरेक्टली आप लॉस हो जाते हैं। अभी तो डायरेक्टली मैंने निकाल दिया तो 24 रुपीज़ मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। तो 50 रुपीज़ मैंने लगा दिया और 24 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया डायरेक्टली और अभी ये फट गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ऐसे आपको क्रैश गेम खेल लेने हैं, आपको डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हैं। तो अभी आपको कार रिवॉल्यूशन खेल के दिखाऊंगा और लास्ट एंड तक आपको विनिंग भी करके दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए, मैंने कार रिवॉल्यूशन पे क्लिक कर ले। कार रिवॉल्यूशन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली फर्स्ट स्टार्टिंग पे मैं निकल जाने देता हूँ। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट स्टार्टिंग पे आपको डायरेक्टली मैंने निकाल दिया है। तो ये देख लीजिए, सुजुकी आ गया था फर्स्ट स्टार्टिंग पे। तो नेक्स्ट राउंड पे मैं आपको विनिंग ट्रिक बता देता हूँ। तो आपको देख लेना है सुजुकी कितनी बार, 4 बार सुजुकी आ चुका है। तो ये देख लीजिए, मैं फर्स्ट स्टार्टिंग पे मैंने लगा दिया है रेड कलर के ऑप्शन पे। तो सुजुकी 4 बार गिर गया तो रेड कलर पे 50 रुपीज़ लगा दिया और आपके सामने 50 रुपीज़ राइट साइड पे दिख रहा है उस पर भी मैंने 50 रुपीज़ लगा दिया है। तो अभी चांसेस विनिंग होने के चांसेस है, एक भी बार इसने नहीं ऐड हुआ है। तो अभी ये देख लीजिए, आपके सामने आ गए और 60 रुपीज़ लगा दिया तो मैंने 50 रुपीज़ नहीं 10 रुपीज़ प्रॉफिट और डायरेक्टली 300 रुपीज़ मिल गए। तो विनिंग करके मैंने आपको 300 रुपीज़ दिखा दिया। ये देख लीजिए, आपके सामने 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ लगा दिया था, डायरेक्टली विनिंग हो चुका हूँ। तो फिर से मैं एक बार, 2 बार 3 बार ऐसे ट्राई मार के दिखा देता हूँ आपको और लास्ट एंड तक आपको बैंक अकाउंट ऐड करके विड्रॉल भी करके दिखाता हूँ। तो ये नेक्स्ट राउंड पे मैं लगा देता हूँ। ये इस राउंड पे मैंने ऐड नहीं गया, क्लिक नहीं गया बैलेंस पे, तो इसलिए ये राउंड पे मैं निकाल जाने देता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये डायरेक्टली कार रिवॉल्यूशन पे सुजुकी आ गया था। तो मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद डायरेक्टली आपको ये देख लीजिए, मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद डायरेक्टली आपको विड्रॉल मेरा बैलेंस हो गया है 394 रुपीज़। तो विड्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको बैंक ऐड करके। तो पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा बैंक ऐड करने के लिए। बैंक ऐड करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, बैंक ऐड करने के लिए आपको अकाउंट नंबर लगेगा, आपका नाम रहेगा और आपका IFSC कोड रहेगा। ये पूरा का पूरा डिटेल डालने के ऐड होने के बाद डायरेक्टली आपको विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा और लास्ट एंड तक मेरे को क्रेडिट का मैसेज भी आ जाता है, 300 का मैसेज भी आ जाता है। तो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद डायरेक्टली पूरा का पूरा डिटेल आप भी देख सकते हो। तो डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर लेना। ओके पे क्लिक कर लिया मैंने तो डायरेक्टली 300 रुपीज़ मेरा डायरेक्टली निकल गया और 300 रुपीज़ का मेरे को मैसेज भी आ जाता है। देख लीजिए, 300 रुपीज़ डायरेक्टली ऐड हो गया इसे बैंक अकाउंट में। देख लीजिए, क्रेडिटेड बाय 300 रुपीज़ लिंकेड मोबाइल। देख लीजिए, IPPO के तरफ से डायरेक्टली मेरे को डायरेक्टली 300 रुपीज़ एक क्लिक करते थ्रू मेरा ये विनिंग बैलेंस है। पूरा का पूरा विनिंग बैलेंस मैंने आपको डायरेक्टली इंस्टेंट विड्रॉल करके दिखाया, कार रिवॉल्यूशन और क्रैश करके ये पूरा का पूरा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।